ऋषभ पंत जो कि अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऋषभ पंत आजकल अंपायर के साथ बहुत ज्यादा बार भिड़ जाते हैं। ऐसा ही मामला हुआ कल गुजरात के मैच दौरान, जहां ऋषभ पंत वाइड बॉल को लेकर अंपायर से जा भिड़े और अंपायर के साथ बहसबाजी के बाद में अब देखना होगा कि बीसीसीआई ऋषभ पंत पर कुछ एक्शन लेती है फिर नहीं लेती है। हो सकता है कि ऋषभ पंत पर मैच फीस का कुछ परसेंट जुर्माना लग सकता है। आईपीएल का 400 मैच दिल्ली और गुजरात के बीच खेला गया। इस मैच में गुजरात ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया। दिल्ली के लिए पर्चुसा और जैक फ्रेसर ने पारी की शुरुआत करी, लेकिन कल के मैच में दोनों ही बड़ी पारी नहीं खेल सके। दिल्ली के लिए नंबर 3 पर खेलने के लिए आए अक्षर पटेल ने इस मैच में 43 बॉलों में 66 रन की धमाकेदार पारी खेली। अक्षर पटेल के साथ साथ कप्तान ऋषभ पंत ने भी इस मैच में अपना दमखम दिखाया। पंत ने 43 बॉलों में 28 रन की पारी खेली जिसमें 7 छक्के शामिल थे और दिल्ली की पारी को समाप्त करने का काम किया स्टुबस ने। स्टुबस ने अंतिम 7 गेंदों में धमाकेदार 26 रन बनाए, जिसके चलते दिल्ली की टीम ने 20 ओवर में 224 रन बना दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो लाइक कर दें। 225 रन के लक्ष्य पीछा करने के लिए गुजरात की ओर से रिद्धिमान शाह और शुभम गिल ने पारी की शुरुआत करी। रिद्धिमान शाह ने इस मैच में 25 बॉलों में गुजरात सिंह की पारी खेली। रिद्धिमान शाह का साथ दिया साई सुदर्शन ने। साई सुदर्शन ने भी इस मैच में 39 बॉलों में 65 रन की धमाकेदार पारी खेली। एक टाइम पर गुजरात टीम ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी, लेकिन इसके बाद गुजरात के विकेट गिरते चले गए, लेकिन अंत में डेविड मिलर ने 23 बॉलों में 55 रन की पारी खेलकर इस मैच को एक बार फिर से जीवित कर दिया और अंत में राशिद खान की 11 बॉलों में 21 रन की पारी ने इस मैच को और रोमांचित कर दिया। गुजरात टीम 20 ओवर में 220 रन बना सकी और यह मैच 3 रन से हार गई, लेकिन राशिद खान ने शानदार दमखम दिखाया और साथ ही ऋषभ पंत की इस पारी ऋषभ पंत को इस मैच से मैन ऑफ द मैच चुना गया।